माइसेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह। आज का कॉमन टॉपिक है एनुरेसिस, इसको हम लोग बेड वेटिंग बोलते हैं। क्या है एनुरेसिस? जैसे नॉर्मल में जो भी चाइल्ड है बर्थ के बाद जो यूरिनेशन होता है उसका, वह अनप्लान्ड एंड इनवॉलंटरी होता है ना, अनप्लान्ड इनवॉलंटरी एंड अनप्लेस्ड बोल सकते हैं। यानी उसका जो यूरिनेशन जो होता है वह उसका अपने वॉलंटरी नहीं हो पाती है, तो वह कंटिन्यू उसका 3 साल तक तो जो उसका यूरिनेशन होता है बर्थ से 3 साल तक जो यूरिन होता है ना, वह क्या होता है, वह अनप्लान्ड ही होता है एंड इनवॉलंटरी होता है, अनप्लेस्ड होता है कंप्लीटली। यहाँ पे कंप्लीटली अनप्लान होते हैं। ये 3 साल से लेकर 5 साल तक जो बच्चे होते हैं उसमें डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी कुछ बच्चे कभी कभी हुआ बेड पे भी यूरिनेशन कर देता है, कभी कभी हुआ वॉलंटरी यानी प्लेस्ड पे करता है। वो प्लेस्ड का हमारे यहाँ पर सेंस होता है बाथरूम से और सही जगह पे। तो 3 से 5 साल में क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी होती है उसमें। लेकिन 5 साल के बाद जो चाइल्ड है ना वह कंप्लीटली क्या होता है ना, अब वह वॉलंटरी यूरिनेशन करता है, प्लेस्ड पे करता है, तो उस वह एक नॉर्मल कंडीशन होता है। तो नॉर्मल क्या बोले फिर से, कि नॉर्मल में बर्थ से 3 साल तक तो बच्चा कहीं भी किसी भी जगह पे वह यूरिनेशन करता है। 3 से 5 साल में क्या होता है, वह एजुकेशन में आने लगता है जब बच्चा, तो थोड़ा हुआ डिसकंटिन्यूटी में आता है। कभी कभी बच्चा होता है ना रात में ज़्यादा पानी पी लिया, या कोई ठंडा का मौसम आया, वेदर चेंज हो गया, तो कभी कभी यूरिनेशन हो जाता है। लेकिन 5 साल के बाद जो बच्चे हैं ना उसमें क्या होता है ना, वह वॉलंटरी यूरिनेशन होता है, एक प्लेस पे यूरिनेशन होता है, तो वह कंडीशन जो होता है ना नॉर्मल है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि 5 साल के बाद 5 ईयर के बाद अगर कोई चाइल्ड बेड पर या क्लॉथ में कहीं भी अगर वह यूरिनेशन करता हो तो उसको हम लोग बेड वेटिंग बोलते हैं या एनुरेसिस बोलते हैं। बेड वेटिंग करने का सेंस यहाँ पर सिर्फ बेड से ही नहीं है, बल्कि वह अगर क्लॉथ भी अगर यूरिनेशन कर दे रहा हो, जैसे बच्चा में क्या पैंट पहना दी कर देता है यूरिनेशन, तो अगर ऐसा होता तो उसको भी वो लोग एनुरेसिस में डालते हैं। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ बेड पे ही वो पेशाब करता हो, तो इनवॉलंटरी तो है ना, अनप्लेस्ड तो है ना, एजुकेशन तो नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो सेंस लिया जाता है ना बेड वेटिंग का, वह बिछावन से लिया गया है, ठीक है। तो अब तो यहाँ तो हो गया कि एनुरेसिस किसे बोलते हैं, कि जब कोई बच्चा अगर बिस्तर पे पेशाब कर देता हो इनवॉलंटरी और दूसरे कभी कभी अनप्लेस पे भी करता हो तो उसको हम लोग एनुरेसिस बोलते हैं। अब क्वेश्चन है ये क्यों हो जाता है। देखिए एनुरेसिस 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी एनुरेसिस किसको बोलते हैं, जैसे 5 साल के बाद भी, 5 साल के बाद भी अगर कोई बच्चा लगातार वह बेड पे अगर यूरिनेशन कर रहा हो कंटिन्यू, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एनुरेसिस। प्राइमरी किसको बोलते हैं, कि अगर कोई चाइल्ड 5 साल के बाद भी अगर यूरिनेशन करता हो बेड पे तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एनुरेसिस बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी एनुरेसिस। सेकेंडरी किसको बोलते हैं, कि 5 साल के बाद वो एजुकेट तो हो गया था, 5 साल के बाद वो बच्चा बिल्कुल सही था, लेकिन कुछ साल के बाद यानी 8 साल के बाद या 9 साल के बाद वो बच्चा जो है फिर से वो वही पोजिशन में आए जैसे वो 3 साल से पहले था। यानी 5 साल 8 साल के बाद अगर कोई बच्चा बेड पर यूरिनेशन करता हो अगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एनुरेसिस बोलते हैं। तो 2 तरह के एनुरेसिस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब बात करते हैं प्राइमरी एनुरेसिस का कॉज क्या है, यानी कि लगातार बच्चा वह 5 साल के बाद भी कंटिन्यू यूरिनेशन करता है तो इसका कारण क्या होता है। तो प्राइमरी के कारण होते हैं सबसे पहले मेंटल रिटार्ड चाइल्ड। जो मेंटल रिटार्ड बच्चे होते हैं उसमें ऐसा देखने को मिलता है, सबसे पहला कंडीशन में। दूसरा होता है उसमें कि जो मेंटल डेवलपमेंट उसका कम होता है, यानी डिक्रीज मेंटल डेवलपमेंट। थर्ड में आता है डायबिटीज इंसिपिडस। ऐसा कोई बच्चा होता है जिसका हाइपोथैलेमस वीक होता है,
और हाइपोथैलेमस कमजोर होने से एडीएच कम बनता है, एडीएच कम बनेगा तो डायबिटीज इंसिपिडस होते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस यहाँ पे मेलाइटिस नहीं बोल रहे हैं, इंसिपिडस बोलते हैं, जो एडीएच की कमी होने का कारण होता है जनरली। इसके बाद कभी जो नॉन एजुकेट चाइल्ड होते हैं, जिसको कि बच्चा को एजुकेट नहीं किया गया अगर हो, वह बच्चे भी क्या होता है ना कि प्राइमरी एनोरेक्सिस का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिर कभी कभी बच्चों में वर्म का इन्फेस्टेशन भी हो जाता है ना, तब भी वह प्राइमरी एनोरेक्सिस हो जाता है। वर्म से क्या होता है ना कि वर्म का बहुत बड़ा रिलेशन होता है, खासकर पीन वर्म, छोटा छोटा वर्म होता है। पीन वर्म जो होता है ना कि रात के समय वह एनस के सरफेस पे ओभा प्रोड्यूस करने के लिए आता है। अब ओभा प्रोड्यूस करने आता है तो एनस से ही क्रॉस करता है पुडेंडल नर्व। अब क्या होता है कि जब वो इरिटेशन होती है वहां पे ना, अब पुडेंडल नर्व किसको कंट्रोल करता है, पुडेंडल नर्व यूरेथ्रा के एक्सटर्नल स्फिंक्चर को कंट्रोल करता है। तो जब वो वर्म वहां पे जब एक प्रोड्यूस करता है ना, तो उसके कारण पुडेंडल नर्व स्टिमुलेट होते हैं और उसका यूरेथ्रा स्टिमुलेट होती है, तो उसके कारण मैचुरेशन उसको सेंसेशन डेवलप हो जाती है ना। तो ये कंडीशन बनता है वर्म के कारण जनरली। और तो ये कंडीशन हुआ आपको, तो इसको मतलब बोलते हैं मतलब प्राइमरी एनोरेक्सिस। अब आता है नंबर टू, दूसरा है सेकेंडरी एनोरेक्सिस। सेकेंडरी एनोरेक्सिस बोले थे आपको कि जब बच्चा 5 साल के बाद तो यूरिनेशन बंद कर दिया था वह बेड वेटिंग, लेकिन बाद में फिर वह बेड वेटिंग स्टार्ट हो जाता है उसे 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल पे, ऐसे बच्चों को बोलते हैं सेकेंडरी एनोरेक्सिस बोलते हैं। ये क्यों हो जाता है? सेकेंडरी एनोरेक्सिस का सबसे बड़ा कारण होता है इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन के कारण, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा तो उसके कारण जो होता है ब्लैडर में टोनिसिटी बढ़ जाता है, इसके कारण एनोरेक्सिस होते हैं। दूसरा होता है फिर सेकेंड कारण होता है नेग्लेसी फ्रॉम पेरेंट्स, कभी कभी होता है जो पेरेंट्स उसको नेग्लेक्ट करने लगते हैं, ऐसे भी 8 साल 9 साल के बाद जो होता है ना बच्चों को थोड़ा अपने से दूर रखना स्टार्ट करते हैं पेरेंट, उसको लगता है कि शायद अब मेरे पेरेंट हमसे दूर भगा रहे हैं, हमको सच लगता है कि नहीं अब मान रहे वो ऐसे, तो उसको ऐसा लगता है फीलिंग, ऐसे कारण उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है बच्चों को, और उसके बाद हो जाता है ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट जहाँ होता है तो उसकी वजह से भी एनोरेक्सिस होते हैं। अगला कारण होता है हाइपरटोनिक ब्लैडर, कभी कभी जो होता है ब्लैडर हाइपरटोनिक हो जाता है, या तो एक्सेस कैल्शियम के कारण होता है या फिर कुछ और भी कंडीशन स्पाइन और कुछ गिरोह के कारण हाइपरटोनिक ब्लैडर हो जाते हैं। उसमें क्या होता है थोड़ा भी यूरिन आने के बाद जो होता है ना ब्लैडर से यूरिनेशन आने लगते हैं, ये भी आपका बनता है सेकेंडरी एनोरेक्सिस का। एक कारण और होता है, वह होता है मिस हैबिट ऑफ मैच्योरेशन। जैसे होता क्या है कि जो बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठते हैं, खासकर इस समय के जो बच्चे पढ़ते हैं ना 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे या 7 साल, जब भी पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो वो बहाना मारता है किसी का पेशाब का कि पेशाब करने जाते हैं। अब उसको पेशाब लगा नहीं रहता है, लगा नहीं जाता, लेकिन क्या होता है ना वो जाता है पेशाब करने, पास पेशाब करने बहाने से क्या होता है ना थोड़ा समय लॉस हो जाता है, समय कट जाता है, तो पढ़ाई का समय कट जाता है बहाने से। अब क्या होता है इसमें, यही उसकी आदत बन जाती है, रात में सोते सोएगा ना तो उसको फिर थोड़ा सा पेशाब रहेगा ब्लडर में और पेशाब हो जाता है उसको। तो वो क्या है ना कि ये भी सोचना चाहिए, कभी प्रेशर से बच्चों को इसलिए पढ़ाना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि जब भी बच्चा पढ़ते समय पेशाब का बहाना डाल लो तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये बात उसका बेड वेटिंग की तरफ जा रही हो, क्योंकि कम पेशाब रहेगा तभी वो बहाना मार के जाता है पेशाब के बारे से। तो ये भी आपका जो है बेड वेटिंग कारण बनते हैं, सेकेंडरी कारण बनते हैं। अब कभी कभी तो पता ही नहीं चलता है क्यों होगा, कुछ बच्चे में होता है कि रात के समय दूध पिलाते हैं अगर बाय द वे देर रात जैसे 9 बजे के बाद कभी दूध पिलाते हैं बच्चों को तो बेड वेटिंग करता है, या फिर रात में अगर फ्लूड इंटेक ज़्यादा कराते हैं अगर तभी वो बेड वेटिंग करता है। तो देखिए बेड वेटिंग के होने का बहुत सारे कारण होते हैं, हम लोग को समझना चाहिए कि किस वजह से वो हो रही है। अब बात करते हैं इसका सिम्टम, देखो सिम्टम तो कुछ है नहीं, ये तो अपने आप में ही सिम्टम है, क्योंकि बेड वेटिंग तो कुछ सिम्टम है ठीक है। बाकी होता है हाँ दूसरा चीज़ होता है कि जब जो बच्चा है उसका नींद टूट जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, नींद टूटेगा तो फिर दिन में नींद आवेगा उसको, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसका पढ़ाई में डिस्टर्ब हो सकता है, काम जो होगा उसमें लॉस करेंगे उसको। तो मेन सिम्टम उसमें यही सब आता है, बताओ कुछ नहीं है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर कपड़ा भीगा कपड़ा पहनता है तो उसके कारण उसको इन्फेक्शन हो सकते हैं पैर पाद पे, और नींद हैम्पर हुआ होता अलग केस हो गया, प्लस थोड़ा मेंटली भी थोड़ा परेशान हो जाता है, घर में लोग डांटते हैं उसका वो अलग बात हो गया, जो कभी डांटना नीचे कर रहे, तो कभी कभी वो साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो रही है, लोग हमसे नफरत करते हैं,
साल कैसे भी देखिए बेबेटी को करता है तो घर के लोग या फिर जो रिलेटिव लोग होते हैं वो थोड़ा दूर हटाना चाहते हैं, नहीं पेशाब कर देगा, इसको हटाओ अपनी तरफ से, तो थोड़ा साइकोलॉजिकली थोड़ा अपसेट हो जाता है वो। पता किस लगाएंगे इसका, हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन, देखो इन्वेस्टिगेट तो खुद है, कुछ अपने आप में तो बहुत कुछ करना है नहीं, लेकिन फिर भी एक रूटीन एग्जामिनेशन यूरिन करा लेते हम लोग, इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है, और कल्चर भी करा लेते हैं अगर यूरिन का, तो इससे हम लोग थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह बारे पता लग जाती है। मेन है इसका ट्रीटमेंट। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है मैनेजमेंट बहुत जरूरत है। क्या मैनेज जरूरत है? सबसे पहले बच्चों को रात में फ्लूड इंटेक नहीं करानी चाहिए, 9 बजे के बाद रात में दूध पिलाना नहीं चाहिए बच्चों को। अगर कपड़ा पहनाते हैं तो फुल क्लॉथ पहनाना चाहिए, जिससे कि रात में सोते समय वह क्लॉथ हटे नहीं, क्योंकि ठंडा लगेगा तो पेशाब होने की टेंडेंसी हो सकती है। अगर वर्म का इन्फेक्शन हो तो हमें एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स उसको दे सकते हैं आर या फिस्टुल कराने के बाद। अगला होता है उसको कि यूरिन होल्डिंग एक्सरसाइज, जब भी बच्चों को पेशाब लगे तो उसको बोलना है कि पहले तुम पेशाब रोको, क्यों दिन में जैसे पढ़ते समय या दिन में बोले पेशाब लगा हुआ, तो बोलोगे नहीं पहले तुम बैठो और तुम पहले रोक लो उसके बाद पेशाब जाना। तो जब तक बच्चे को पेशाब ज्यादा लगे नहीं लगे तब तक तो उसको जाने देना है, क्योंकि उससे क्या होगा पेशाब जब होल्ड करेगा ना तो ब्लैडर का टोन बढ़ेगा, प्लस उसको दिमाग में रहेगा कि नहीं पेशाब होल्ड करना है, जैसे वो मिस हैबिट हो गया तभी तो पेशाब कर रहा था ना वो, ये कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा होता है रिवार्ड। रिवार्ड मेथड इज द बेस्ट मेथड, वह है पेशाब को रोकने का तरीका। क्या है रिवार्ड? देखिए उसको बोलिएगा कि तुम्हें सबसे अच्छा पसंद क्या है, तब जैसे मान लो बोला कि चॉकलेट खाना या घूमना, तो उसको बोलना है कि आज तुम पेशाब नहीं करोगे ना तो कल तुम्हें चॉकलेट देंगे। फिर उसका देखिए उसको ये बोलिएगा ना कि हाँ तुम अगर 1 सप्ताह पेशाब नहीं करोगे ना तो अगले वीक में तुम्हें ले चलेंगे घूमने के लिए, घुमाने के लिए। तो उसके दिमाग वो सेट कर जाता है कि हम घूमने के लिए जाएंगे और पेशाब नहीं करेंगे तो रात भर जो उसके दिमाग में आता है कि नहीं नहीं पेशाब नहीं करना, पेशाब नहीं करना, क्योंकि हम घूमने जाना है। इससे क्या होता है ना कि रियल में रात में पेशाब लगेगा भी ना तो उठ के बैठ जाएगा वो, अब बोलेगा कि नहीं हमको पेशाब करने जाना है, नहीं तो पेशाब करेंगे तो हमें पार्क घूमने से मना हो जाएंगे, चॉकलेट नहीं मिलेगा। तो रिवार्ड बहुत बड़ा चीज होती है, तो बच्चों को रिवार्डिंग के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं और बोलते भी रहते हैं। तो ये इससे जो हम लोग देखे हैं कि लगभग 70% बच्चों को देखे हैं कि रिवार्ड मेथड से यह बच्चा मुझे पेशाब बेरेटिट। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा उल्टा होता है, बहुत गार्जियन क्या करते हैं जहाँ पेशाब करेगा बस वो पिटना चालू कर देते हैं, ये उसका बहुत बड़ा बैड इफेक्ट है। और इसका बच्चे इसकी वजह से उसका साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा उसका इफेक्ट पड़ता है वो, तो ये आपका सही नहीं है, जो जो मेथड वो रॉन्ग मेथड है। तो ये सबसे अगर आप बाद में करते हैं अगर मैनेजमेंट, तो हम बता रहे हैं कि 70% बच्चा को देखे हैं कि मैनेजमेंट से ही बेड वेटिंग ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं ड्रग्स के बारे में, तो ड्रग्स में क्या यूज करते हैं? देखिए सबसे पहला ड्रग्स है कॉस्टिकम, दिस इज बेस्ट मेडिसिन फॉर द बेड वेटिंग। कॉस्टिकम देने से यूरेथ्रा का जो स्फिंक्चर होता है, जो अब नॉर्मल हो जाता है स्फिंक्चर, उसको कंट्रोल कर देता है। तो कॉस्टिकम क्या करते हैं कि 200 पावर में डेली हम लोग मॉर्निंग में पेशेंट को देते हैं और इससे जो होता है बिल्कुल ठीक हो जाती है। नंबर 2 दवा होता है क्रियोजोट। क्रियोजोट जो होता है वह आपके जैसे ब्लैडर के टोनिसिटी को कंट्रोल करता है, हाइपरटोनिक जो टोन होता है उसको कंट्रोल कर देता है, उसको नॉर्मल करता है, तो इससे जो होता है आपको ये भी आपका बेरेटिंग बहुत अच्छा मिलता है। क्रियोजोट को 30 पावर में 5 बजे सुबह 5 बजे शाम देते हैं हम लोग उसको। और तीसरी दवा होती है सीना। सीना को रात में, सीना 30 पावर में रात में देते हैं उसको पीने के लिए, और उसको 5 बूंद देते हैं, उसको हम लोग ड्रॉप डाल कर डायरेक्ट टंग पे दे देते हैं, और इससे जो होता है आपको यह भी बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। यह नर्व पुडेलियन नर्व जो स्टिमुलेट होते रहते हैं वर्म के कारण, वह कंट्रोल हो जाती है। तो देखिए बेड वेटिंग को और भी सारी दवा है, जैसे इन्फेक्शन है तो थूजा यूज करते हैं 200 पावर में, लेकिन है क्या कि अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है, कंडीशन पर डिपेंड करता है, बहुत सारे सिम्टम पर डिपेंड करता है, किस एज में पेशाब हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अर्ली अगर मानी सोते समय पेशाब कर देता है उसका अलग दवा है, बीच में अगर गहरी नींद में पेशाब करता है उसका अलग दवा है, जब रात सुबह उठने से पहले पेशाब करता है उसकी अलग दवा होती है, अलग अलग ट्रीटमेंट है, एक जैसा नहीं है। टाइम के अनुसार जो होता है मेडिसिन अलग अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम तो ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह मेडिसिन के टॉपिक होते हैं और बहुत लंबा डिटेल हो जाएगा उसका, हम एक एक करके अगर हम लोग सिम्टम वाइज चलेंगे। तो ये था आपका एनालिसिस, अगर इसमें कुछ अगर दिक्कत हो आपको, अगर इस तरह का कोई बच्चा अगर सफर हो
तापमान से संपर्क कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।